आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की जो लॉन्च होंगे दिसंबर 2023 में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है Vivo T3। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.7 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है 64+8 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 66W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 22,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 6 दिसंबर 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है Realme GT Neo 5 SE। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.74 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 7+Gen2 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 64+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5500 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 100W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 26,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 20 दिसंबर 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी A24 5G। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.7 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 64+5+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 13 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 25W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 23,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 22 दिसंबर 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे आता है Motorola Edge Plus 2023। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.67 इंच का फुल HD POLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 8Gen2 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+50+12 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 60 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5100 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 125W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 49,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 24 दिसंबर 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है Honor Magic 5। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.73 इंच का फुल HD OLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 8Gen2 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 54+50+32 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 12 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5100 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 66W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 74,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 28 दिसंबर 2023। तो दोस्तों इतने टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।